आज समय शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 8.2 गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या है कि x प्लस 3 का पावर क्या है, 8 में किसका गुणांक ज्ञात करना है, x का पावर 5 का हमको गुणांक ज्ञात करना है। तो आप पहले जान चुके हैं a प्लस बी का पावर n का व्यापक पद को डिनोट करते हैं किससे, tr प्लस 1 से, और ये होता क्या है, n cr a का पावर इंटू b का पावर, यही ना होता है। इस आधार पर अब हम निकालते हैं x प्लस 3 का पावर 8 का व्यापक पद। तो बताइए n के जगह पर क्या है, 8 क्या दिया है, c और r का मान हमको पता नहीं है, a के जगह पर का पावर क्या 8 माइनस r, अगुने b के जगह पर का पावर कितना दिया है, r, हो गया यही। तो x का पावर 5 के गुणांक के लिए, x का पावर किसका, x का पावर 5 के गुणांक के लिए, x का पावर 5 तभी होगा जब x का पावर 8 माइनस r 5 के बराबर होगा, तो ना गुणांक आएगा इसका। मतलब कि x का पावर यहाँ क्या है 5, यह बराबर हो जाए किसके, 8 माइनस r के। इट मीन्स कि r माइनस में इधर आएगा तो 8, 5 प्लस में इधर आएगा तो मतलब 3, मतलब r का मान क्या आ गया 3। अब इसलिए x का पावर 5 का निकाल देंगे क्या गुणांक, x का पावर 5 का अब क्या निकालेंगे गुणांक, तो क्या हो जाएगा बराबर। तो ध्यान दीजिए कि 8 c और r का मान क्या लाए 3, x का पावर 8 माइनस 3 तो 5, x का पावर 5 तो गुणांक तो इसका निकालना ही है, मतलब इसमें किसके किससे गुना है उसी को कहेंगे क्या गुणांक। तो x का पावर 5 का गुणांक यही ना है और एक ये है, तो गुने 3 का पावर, r का मान मैंने क्या लाया 3। अब इसको हल कर देंगे, जो हल करके आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हल करके देखिए क्या आता है, इधर मैं लिख रहा हूँ, 8c3 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 3, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल अगुने 3 का पावर 3 27 हो गया। चूँकि आप जान रहे हैं फार्मूला एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस, जहाँ r का मान और यही ना है। तो इस फार्मूला के आधार पर इसको मैं लिखा, इसको हल कर सकते हो, जो हल करोगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5, आप बटा में क्या है फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1, 8 में से 3 गया और गुने 27, इससे ये कैंसिल, 3 से 6 कटेगा 2 और 2 से 2, 8 गुने 7 गुने 27 कितना रहा है 1512, यह इसका हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं कि a माइनस टू बी का होल पावर 12 में a का पावर 5 बी का पावर 7 का हमको गुणांक ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बना है, a प्लस बी का पावर n का व्यापक पद होता है यही, इसलिए a के जगह पर a और b के जगह पर माइनस टू बी का पावर n के जगह पर का व्यापक पद, तो n के जगह पर क्या हो गया सी आर इंटू ए के जगह पर a का पावर 12 माइनस आर इंटू बी के जगह पर माइनस टू बी का पावर r हो गया। अब जो है इसको थोड़ा और हल करते हैं, 12 सी आर गुने ए का पावर कितना है 12 माइनस आर और गुने माइनस दो का पावर हो जाएगा क्या आर, अलग अलग कर दिए इंटू बी का पावर आर कर दिया मैं, बस इसको अलग अलग कर दिया मैं और कुछ नहीं। तो अब किसका गुणांक हमको ज्ञात करना है, ए का पावर 5 बी का पावर 7 के गुणांक के लिए। तो ए का पावर 5 बराबर होना चाहिए किसके 12 माइनस आर, तो ना इसका पावर 5 आएगा, इट मीन्स कि इसका मान 5 बराबर होना चाहिए उसके मान किसके 12 माइनस आर, तो आर माइनस में इधर आएगा तो 12, 5 प्लस में इधर आएगा तो 7 घटेगा 12 में से, सॉरी 5 है उल्टा लिखा गया, तो यह 5 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, 12 में से 5 गया 7, इट मीन्स कि अब हमको गुणांक निकालना है क्या a का पावर 5 बी का पावर 7। जब r का मान 7 आ गया तो b का पावर अपने आप क्या आ जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसको छोड़कर माने a का पावर 5 हो गया b का पावर 7 हो गया, यही दोनों ना बचा बोलो, तो इन दोनों का गुणांक ये दोनों बचा, मतलब 12 सी आर, तो 12 सी आर का मान आ गुने क्या बचा माइनस दो का पावर आर का मान 7। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 बटा 7 का फैक्टोरियल 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल गुने माइनस 2 का पावर 7, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 माइनस 128 बराबर, फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 गुने फैक्टोरियल 7 आ बटा में हो जाएगा फैक्टोरियल, आ 12 में से 7 गया 5 का फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने आ गुने माइनस 128 फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7। अब 5 से 10 कटेगा 2, 2 से 2, 4 से 12 कटेगा 3 और 3 से 3, इट मीन्स कि 11 गुने 9 गुने 8 गुने माइनस 128 गुना कीजिए जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ गुना करने पर क्या रहा है और यही हो गया इसका आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है कि निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 6, इसका हमको लिखना है क्या व्यापक पद, तो a प्लस बी का पावर n का
व्यापक पद आपको बता चुके हैं क्या होता है, एन सी आर ए का पावर और बी का पावर, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन तीन और चार दोनों बनेगा। इसलिए क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर कितना का व्यापक पद बराबर, तो देखो ए के जगह पर, बी के जगह पर और एन के जगह पर रख दीजिए, तो एन के जगह पर सी आर का मान पता नहीं है, गुने ए के जगह पर एक्स स्क्वायर का पावर एन मतलब माइनस आर, आ गुने बी के जगह पर का पावर आर, हो गया। तो बराबर में बताइए, सिक्स सी आर गुने एक्स का पावर, दो से दोनों में गुना हो जाएगा, बारह माइनस दो गुने आर टू आर गुने माइनस वाई का पावर आर, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस एक का पावर आर इंटू वाई का पावर आर, हो गया। तो अब ये आंसर हो गया, लेकिन इसको पहले आंसर लिख के तब लिखा है, तो इसको हम चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, माइनस एक का पावर क्या इंटू क्या सिक्स सी आर इंटू एक्स का पावर बारह माइनस टू आर इंटू वाई का पावर, यही हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन चार भी आप बना सकते हैं, तो बनाइए। क्वेश्चन नंबर चार है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स का पावर कितना, जहां एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका व्यापक पद यही होता है, तो इसलिए ए के जगह पर बी के जगह पर माइनस वाई एक्स, क्या है ये माइनस वाई एक्स का पावर एन का मान का व्यापक पद एन का मान सी आर गुने ए का ए के जगह पर का पावर एन माइनस आर मतलब बारह माइनस आर गुने बी के जगह पर माइनस वाई एक्स का पावर आर, हो गया यही। तो अब देखिए क्या गया, बारह सी आर गुने एक्स का पावर, दो से बारह में गुना कीजिए, दो से आर में टू आर गुने, अब यहाँ तीन गो टर्म है, एक माइनस एक का पावर, दूसरा वाई का पावर, तीसरा एक्स का पावर। तो पुनः करते हैं, माइनस एक के पावर आर को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक का पावर इंटू क्या है बारह सी आर, एक्स आधार दोनों का बराबर है तो पावर जोड़ देंगे, तो एक्स का पावर यहाँ क्या है चौबीस माइनस टू आर अजोड़ आर, हो गया, इंटू वाई का पावर, अब ध्यान दीजिए माइनस एक का पावर आर इंटू बारह सी आर इंटू एक्स का पावर चौबीस, आर में से टू आर जाएगा माइनस आर, और माइनस आर और आर में बहुत अंतर है, जमीन आसमान है, तो इंटू वाई का पावर यही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि x माइनस टू वाई का होल पावर 12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है पाँच, तो पाँच में क्या है x माइनस टू वाई का पावर कितना 12,
इसमें हमको चौथा पद ज्ञात करना है। तो a प्लस बी का पावर n का व्यापक पद ये होता है, और इसी आधार पर लिखते हैं क्या, t r प्लस एक बराबर कितना, एन सी आर इंटू ए का पावर इंटू बी का पावर। चौथा पद हमको ज्ञात करना है, कौन सा पद, चौथा पद माने टी फोर। तब यहाँ क्या हो जाएगा, टी फोर को हम क्या लिख सकते हैं, तीन प्लस ए, मतलब आर का मान क्या आ गया, तीन बराबर एन का मान बारह, सी और आर का मान तीन इंटू ए का मान एक्स का पावर बारह माइनस तीन गुने बी का मान का पावर आर मतलब तीन हो गया। अब बारह सी तीन को हल करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ बारह बटा फैक्टोरियल ऑफ बारह माइनस तीन का फैक्टोरियल गुने एक्स का पावर बारह में से तीन गया नौ गुने माइनस दो का पावर तीन माइनस आठ वाई क्यू हो जाएगा। अब जो है फैक्टोरियल बारह को लिख सकते हैं, बारह गुने ग्यारह गुने दस गुने फैक्टोरियल ऑफ नौ बटा तीन गुने दो गुने एक गुने हो गया गुने क्या है एक्स का पावर नौ गुने माइनस आठ वाई क्यू। फैक्टोरियल नौ से फैक्टोरियल नौ, अब तीन से बारह कटेगा और फिर दो से चार कटेगा, तो दो गुने ग्यारह गुने दस गुने माइनस आठ, तो कितना आएगा गुना करके, तो ग्यारह गुना बाईस आठ गुना सोलह आठ गुना सोलह एक सत्रह माइनस आ एगो जीरो। अब क्या आ गया, एक्स का पावर नौ और वाई का पावर तीन, यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से कोई भी इस रूप में पद दिया हो तो कोई भी पद उसका ज्ञात किया जा सकता है। तो बनाइए सभी अभी। क्वेश्चन नंबर छः बिल्कुल पाँच के पैटर्न पर बनेगा। तो छठा क्वेश्चन है क्या हमारा, कि 9x माइनस एक बटा तीन रूट एक्स का होल पावर कितना है 18 के प्रसार में हमको 13वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद, 13वां पद। इट मीन्स ये तो व्यापक पद ऑलरेडी हम जान रहे हैं ये फार्मूला, तो 13वां पद मतलब क्या, टी 13 13वां पद, 13वां पद मैं पूछ रहा हूँ सीधी बात, तो क्या होगा, तो टी 13 को लिख सकते हैं 12 प्लस ए। इट मीन्स आर का मान आ गया, आर के जगह पर 12 आ गया, एन के जगह पर तो 18 सी 12 गुने ए का मान 9x का पावर 18 माइनस गुने बी का मान बटा तीन रूट एक्स, तो तीन रूट एक्स का पावर क्या आर, आर मतलब 12 आ गया। अब इसको हल करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 18 बटा 12 18 माइनस हो गया गुने 9x का पावर हो जाएगा इसमें क्या 6 और गुने माइनस 1 का पावर 12 1
माइनस एक का पावर सम संख्या मतलब प्लस एक, तीन का पावर बारह हो जाएगा, और गुने रूट एक्स को अगर हटाएंगे तो एक्स का पावर क्या और इसका भी पावर हो गया। अब करते हैं फैक्टोरियल 18 को, 18 गुने 17 गुने 16 गुने 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 का फैक्टोरियल बटा में क्या हो गया, फैक्टोरियल 12, और 18 में से 12 गया 6 के फैक्टोरियल को हो गया, गुने 9 को हम लिख सकते हैं 3 का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या हो जाएगा 6, और साथ ही साथ x का पावर 6, x 6 दोनों के ऊपर पावर में लगा दिया, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, और गुने क्या हुआ 1 बटा 3 का पावर 12 गुने x का पावर 2 से 12 कटेगा 6 एकम 6 आ गया इतना। अब आगे हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, हल देखिए कैसे। तो अगले सॉल्यूशन में पहले इसको हम काटते हैं, फैक्टोरियल 12 से फैक्टोरियल 12 कैंसिल, 6 से 18 फिर 3 से 3 कैंसिल, 5 से 15 कटेगा 3 हो गया, अब 4 से 16 कटेगा 4 मतलब हो गया, और 2 से 4 कटेगा 2 मर्तबे, तो 17 गुने 2 गुने 3 गुने 14 गुने 13 इतना आपको गुना करके लाना पड़ेगा, तो गुना कीजिए। तो जब सबको आप गुना कीजिएगा तो क्या रहा है 18,564 गुना। अब यहाँ देखो 3 का पावर 2 गुने 6 12 हो गया, गुने x का पावर गुने 1 बटा 3 का पावर 12 गुने तो x का पावर 6 से x का पावर 6 आप यहाँ भी काट सकते थे, 3 का पावर 12 से 3 का पावर 12 तो क्या बच गया 18,500 और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है कि निम्नलिखित प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए, जिसमें 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है 3 माइनस एक्स क्यू बटा में 6 का पावर 7 है, तो इसमें जो है n का मान क्या है 7 क्या है, जो कि एक क्या है विषम संख्या है हो गया। अतः इसके इसका कौन कै गो पद होगा, मध्य पद 2, हम जानते हैं कि पावर विषम संख्या हो तो उसके पदों की संख्या विषम संख्या प्लस 1 होती है, तो इसका मतलब कि इसके 2 गो मध्य पद होंगे, क्योंकि पदों की संख्या सम संख्या के रूप में आएगी, पावर अगर विषम है तो उसके कितने मध्य पद होंगे, अतः इसका 2 मध्य पद, पहला क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2 वा पद तथा क्या n प्लस 1 बटा 2 वा पद होगा, प्लस 1 छूट गया है प्लस 1,
तो n प्लस एकवा पद और n प्लस एक बटा दो प्लस एकवा पद दो इसका मध्य पद होगा, हो गया। इट मीन्स कि n का मान जब सात रखेंगे तो सात प्लस एक कितना आठ, तो अर्थात जो है अर्थात n का मान जब हम रखेंगे आठ, n का मान आठ नहीं बल्कि क्या है सात है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा मैं जगह यहाँ बना दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए। अतः क्या हो जाएगा, अतः n का मान क्या सात प्लस एक बटा दो, मतलब आठ बटा दो मतलब चार, तथा अगला में क्या n का मान n प्लस एक बटा दो का मान क्या चार प्लस एक बराबर पाँच, व पद क्या मध्य पद होगा, हो गया। इट मीन्स कि a प्लस बी का पावर n का व्यापक पद यही होता है ना, इसी आधार पर t r प्लस एक बराबर ये होता है, इसलिए कौन सा पद मत पहला है चौथा, तो t फोर को लिख सकते हैं थ्री प्लस एक। इट मीन्स कि n का मान सात c और r का मान गुने a का मान का पावर गुने बी का माइनस एक्स क्यू बटा छ का पावर क्या है तीन है, हो गया। अब इसको हम हल करते हैं आगे की तरफ, तो समझिए क्या हो रहा है। तो अब इसको हल करते हैं तो बराबर में क्या आएगा, फैक्टोरियल सात बटा फैक्टोरियल तीन, सात माइनस तीन का फैक्टोरियल गुने तीन का पावर सात में से तीन गया चार, और माइनस एक्स का पावर तीन तो माइनस एक्स का पावर तीन दिया और बटा में छः का पावर तीन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल सात को लिख सकते हैं सात गुने छः गुने पाँच गुने चार, चार ही तक रखते हैं, चार ही तक हम रखते हैं क्योंकि कट जाएगा, फैक्टोरियल क्या चार बटा में तीन गुने दो गुने एक गुने फैक्टोरियल चार। अब ध्यान दीजिए, तीन का पावर चार तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं एक दो तीन चार, यदि गुना न करना हो ऐसे लिखना हो तो माइनस एक्स का पावर नौ, और छः को लिख सकते हैं छः गुने छः गुने छः, हो गया। फैक्टोरियल चार से फैक्टोरियल चार, अब देखिए तीन से तीन कैंसिल, छः से छः कैंसिल, हो गया। अब तीन से छः कटेगा, फिर तीन से छः कटेगा दो, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो बराबर में मैं क्या लिख दूंगा, सात पचे पैंतीस, आप पैंतीस गुने तीन एक सौ पाँच, ये माइनस में रहेगा माइनस एक सौ पाँच एक्स का पावर आप बटा में दो एकम दो दूना चार दूना आठ, हो गया। तो ये रहा इसका पहला मध्य पद, अब हमको निकालना है कौन सा दूसरा मध्य पद, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ, तो दूसरा मध्य पद मैं निकाल रहा हूँ, तो इसी दूसरा मध्य पद कौन सा है पाँचवा, तो टी फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं टी चार प्लस एक, मतलब n का मान अब सात आर का मान, तो फार्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या लिखेंगे सात सी चार गुने ए का मान
तीन का पावर गुने बी का मान माइनस एक्स क्यू बटा का पावर चार। अब इसको जैसे इसको हल किए हैं वैसे हल कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो अब जबकि हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या सात सी आर को लिख सकते हैं फैक्टोरियल सात बटा चार का फैक्टोरियल सात माइनस चार का फैक्टोरियल गुने तीन का पावर सात में से चार गया तीन गुने माइनस एक्स का पावर तीन का पावर चार तो एक्स का पावर बारह आ बटा छः का पावर। अब हल करते हैं सात गुने छः गुने पाँच गुने फैक्टोरियल चार बटा में फैक्टोरियल चार सात में से चार गया तीन गुने दो गुने एक गुने तीन का पावर तीन है मतलब तीन गुने तीन गुने तीन गुने एक्स का पावर बारह बटा में छः गुने छः गुने छः गुने छः फैक्टोरियल चार से फैक्टोरियल चार तीन से छः कटा दो आ दो से दो कैंसिल हो गया तीन से छः कटेगा दो तीन से छः दो फिर तीन से छः दो अब तो कोई नहीं कटेगा तब क्या हो गया आंसर सात गुने पाँच पैंतीस एक्स का पावर बारह बटा नीचे क्या बचा दो गुने दो गुने दो कितना दो गुने दो आठ आठ गुने छः अड़तालीस। तो यही इसका दूसरा मध्य पद हो गया पहला आपका ये था दूसरा मध्य पद वो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब है क्या आठ। तो आठ नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए x बटा तीन प्लस नौ वाई का पावर दस में n बराबर क्या है जो कि एक क्या है सम संख्या है। पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना हुआ है उसी पर हम बना रहे हैं। तो सम संख्या तो अतः इसका मध्य पद कय होगा अतः इसका एक मध्य पद होगा हो गया। और मध्य पद कौन सा होगा तो बताइए n बाय टू प्लस एक मतलब n का मान बटा प्लस दो से दस कटा पाँच प्लस एक मतलब छवां पद जो होगा मध्य पद इसका व्यापक पद यही होता है। और इसके आधार पर टी आर प्लस एक का फॉर्मूला यही होता है। तो हमको छठा पद निकाल देना है माने टी सिक्स इसको मैं लिख सकता हूँ पाँच प्लस एक बराबर एन का मान दस सी आर का मान गुने ए का मान एक्स बटा तीन का पावर दस माइनस पाँच गुने बी का मान नौ वाई का पावर क्या हो जाएगा पाँच हो गया। अब जो है इसको हम हल करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है फैक्टोरियल दस आ रहा है। तो फैक्टोरियल दस और बटा में हम लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल पाँच और इनटू दस माइनस पाँच का फैक्टोरियल गुने एक्स का पावर क्या हो जाएगा पाँच और बटा तीन का पावर भी गुने नौ का पावर पाँच गुने वाई का पावर पाँच हो गया। तो अब जो है मान हम इसका निकाल रहे हैं मान तो देखिए कैसे मान मैं निकाल रहा हूँ हो जाएगा क्या दस गुने नौ गुने
आठ गुने सात गुने छः गुने फैक्टोरियल पाँच बटा में फैक्टोरियल पाँच को पाँच गुने चार गुने तीन गुने दो गुने एक गुने फैक्टोरियल पाँच है यही। अब गुने एक्स का पावर क्या है पाँच बटा तीन का पावर पाँच मतलब तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन और गुने नौ का पावर पाँच एक दो तीन चार पाँच और गुने वाई का पावर पाँच और बटा में क्या है बटा में इसमें कुछ नहीं है इतना ही गुना के रूप में हो गया बटा में एक तो छुपा होता है तो ये थोड़ा ऊपर लिखा गया है गुना सामने होगा आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जो है फैक्टोरियल पाँच से फैक्टोरियल पाँच कैंसिल तीन से नौ कटेगा फिर तीन से तीन तीन से नौ तीन फिर तीन से तीन तीन से नौ तीन आ गया। अब जो है कटेगा पाँच से दस दो फिर दो से दो चार से आठ कटेगा दो और तीन से नौ कटेगा तो अब तो कोई कटेगा नहीं तीन गुने दो गुने सात गुने छः गुने तीन गुने नौ बताइए एक बोलो इकसठ हजार दो सौ छत्तीस और x का पावर और y का पावर यही हो गया इसका आंसर बस बनाइए।